यानी क्या हमको क्या दिख रहा है वो डकी में इसमें उसमें हमें क्यों नहीं दिख रहा। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट वाले में आप लोगों का एपिसोड नंबर 1 में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, पहला हमारा सबसे पहली बात तो पहला हमारा पॉडकास्ट है जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और जो आज के हमारे गेस्ट आए हैं हमारे इलाके के मशहूर व मारूफ टिकटॉकर उफ व्लॉगर एंड यूट्यूबर कुछ भी कह लें, बहरहाल आप लोग जानते होंगे इनको। पहले आपसे मुलाकात करवाते हैं हम अपने मिस्टर नबील नईम व्लॉग से और दूसरी मुलाकात कराते हैं हम अपने शहजाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपकी खिदमत है, आपने हमें बुलाया। शहजाद भाई आप कैसे हैं? शुक्र है। और कुछ अपने बारे में कुछ बताएं पब्लिक को। वैसे तो पब्लिक आप लोगों को जानती है, इलाके में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं यूट्यूबर्स में भी। किसते किसते कहां तक पहुंच गए हो कह नहीं सकते, लेकिन डिसीजन से आपकी मैंने माशाल्लाह बहुत वीडियो देखी हैं। अभी तक वायरल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा सपोर्ट? हमारी बार वीडियो आती है हम लाइक कर देते हैं। लोग नहीं कर रहे ना, एक लाइक करने से क्या होगा फिर? जब 100 करोड़ हजार बंदा लाइक करेगा तो कुछ होगा। वीडियो में क्वालिटी भी तो होनी चाहिए लाइक वाली। तो भाई हम मोबाइल के लिए लिया है 50,000 का, किस लिए लिया? क्वालिटी के लिए लिया, फिर भी लाइक नहीं कर रहे। आईफोन ले, हमने तो सुना है भाई बंदे के पास घूमने आ बंदा आईफोन ले वायरल हो जाए। आईफोन पता नहीं है ना शुरू से, क्यों बैटरी टाइम नहीं, लाइट ही चलाई जाती है, लाइट गई हमें बैटरी खाते चार्ज करेंगे, पावर बैंक नहीं है पावर बैंक खाते चार्ज करेंगे। आपके इलाके में लाइट बहुत जाती है? आती नहीं है ना, जाएगी कहां? आप रहते थे कहां पर? माशाल्लाह लाइट नहीं है ना, बिहाइंड बयान खुदादत कॉलोनी बिहाइंड गेट ऑफ 9 नाइजीरिया फेस 2। अच्छा तो यानी आती है, आएगी तो ही जाएगी ना। सही है, तो इसका मतलब जाती नहीं है। क्यों बिल्ली भरत भाई इतनी मोटी कट्टी पड़ी है बिल्ली की? अड़ोस पड़ोसी की जमा नहीं है? नहीं खाली हमारी है, मदिया बोलने लाइन दे दिया खाली कर। क्यों? अब बिल्डिंग बनाने, लेकिन हमारा घर नहीं टूटेगा। क्यों? नक्शे में है ही नहीं हमारा घर टूटने में, हमारे घर के पास से पुल जाएगा। कौन सा पुल? नेटी जेटी का? नेटी जेटी यहाँ डायरेक्ट वहाँ जाएगा पुल। बाकी शिजात भाई आप बताएं अपने बारे में। भाई बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नहीं, अपने बारे में। नैन जिले में बेकार कर दिया, चारों गाँव को ऐसे निकाले और कुछ भी अजीज का। यानी आप भी? हाँ जी, हेलो सर, क्योंकि एक्सपायर्ड है नबील भाई साहब, गवर्नमेंट चाहे तो रहे मेरे खाली में। ये लाइन लाइन जो सोना है, जो गवर्नमेंट लाइन जो सोना है गवर्नमेंट के लिए, सोना सोना है क्योंकि कायदा आजम करीब है, उसकी वैल्यू गिरती है। अच्छा बात है, ये कायदा आजम अब क्या आएंगे? अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। गवर्नमेंट को पता चल रहा है, गवर्नमेंट पता हम तोड़ेंगे तो वहाँ पर बनाएंगे तो भी वैल्यू बढ़ेगी। यानी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मदारे कायद वाली जो साइड है वो एक डिफेंस एरिया बन जाए। हां जी, लाइन एरिया को तोड़ो। ये चाह रही, मगर लाइन से तो सामने तोड़ना। लाइन एरिया सामने तो आ रहा है, बुढ़ापा आ गया, सुनते आ रहा है जो बात है। मगर वही ऐसा क्यों है, लाइन एरिया को तोड़ना आसान क्यों नहीं है भाई? सिर्फ आसान नहीं है, ऐसे से घर बनाया, जिम से बनाया। जिम से क्या बनाना, लोग कुंडे ला रहे हैं। तो कुंडे से कुंडे क्या मतलब क्या है? कुंडे से क्या है? केसी वाले का सुर है क्या? तो सुविधा कुंडा तो तार है, घर क्यों दूर है? तालू की नहीं है तोड़ने घर भाई, 2 मिनट नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट अच्छे सुनते हो आप भी, अकबर रोड गए 20 लिख के चले जाए,
देखूंगा अभी अमाउंट को देखूंगा, ठीक है ना।
और किसी को नहीं पूछ किस चीज से आवाम काम क्या करोगे हर मुझसे अपने हर काम से करा हुआ जो खराब जो है जो कर जो तो मसला है तो मसला पूछूंगा क्या क्या मसला है के साथ क्या बताया मुझे मैं हल निकालता आपका वो बताएंगे ये हल को मैं सीएम हल निकालता हूँ बैठे यहाँ पे परेशान करता जिसका तरीका होता है जो परेशान है दुख समझो उसके दुख देख के पता करो यही मसला के साथ है हम मोहल्ला में आएंगे हरिद्वार तो पता करिए वजह हरिद्वार आता है तो उससे बात करनी है हर बंदा मुझे रखा हुआ वहां से तो सोशल मीडिया का हमारा हो गया अपने हां मतलब पहले आज चली सोशल मीडिया का हां आज भी उनको चला सोशल मीडिया का मीडिया यहां से बाकी बचाएंगे हम क्या सोचे हमारा हम नहीं हर जिंदा पाकिस्तान बच्चा है ना ये सोचे हमारे मुल्क को बढ़ाना है हर मुल्क की तरक्की कर रहा है बांग्लादेश कर रहा है अफगानी कर रहा है सब तरक्की कर रहे हैं हमारा पाकिस्तान चौन से जा रहा है तो नीचे क्यों है भाई आपने पाकिस्तान ऊपर तरक्की की तरफ जाए भाई मेरी तो होगा मैं बंदे तुम्हारी पहले बनाने का हम बनाने मैं नॉर्मल आवाम बन के भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल सही कर सकता तो अभी तक क्यों नहीं किया लक्ष्मी नहीं है भाई लक्ष्मी नहीं है उसके बिना कुछ भी नहीं होता लक्ष्मी नहीं है पास जिसकी वजह से अभी तक इन्होंने पाकिस्तान सुधारा नहीं अगर अगर आपके पास लक्ष्मी होती तो आप क्या करते लक्ष्मी की बात ही बना देता भाई नोट की बात ही नहीं फिर के आवाम को सब ऊपर ऊपर आ जाए और आवाम को बोलकर यार आप आवाम की सोचो आवाम बहुत बड़ी चीज है आवाम क्या से क्या करते बंदे को चलो तो सबसे पहले वो क्या बोलता है मेरी शादी हो जाए शहजाद पे पॉइंट है या नहीं है सबसे पहले वो बोलता है कि मेरी शादी हो जाए आपका क्या राय है आपकी क्या राय शादी के बारे में आपकी तो माशाल्लाह उम्र भी शादी वाली होने वाली है शादी के बारे में कुछ बताए मैं लक्ष्मी नहीं है मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ पाकिस्तान को सुधारने के लिए लक्ष्मी नहीं है लक्ष्मी नहीं है वैसे तो बहुत है वैसे बहुत पर यानी आपको पाकिस्तान सुधारने के लिए कितनी लक्ष्मी चाहिए हम क्या बोले सारे हमारे मुल्क की हमारे मुल्क में हो क्या रहा है देखिए की और ये हर बंदा सेट नहीं है दस हजार भी देने लेके आ रहा है तो उसकी वाल लग रही है वो बेचारा जेल में से पूछे दस हजार ये कह रहा है हजार पाँच सौ रुपया क्यों डर की वैसे मोबाइल शोल्डर पे आ रहा है क्यों डर की वैसे ये डर को इतना है हमारी गवर्नमेंट सो जाए तो हमारा हो रही है हमारी गवर्नमेंट सो जाए भाई भाई मेरे को मोबाइल की शॉप पे बंदा आता है बोलता है एक तो नया डब्बा पे मोबाइल ले लिया वो रखता है घर पे अपने साथ रखता है नोकिया का बोलता है अबे भाई वारदात हो जाएगी कराची अभी बदनाम ही बदनाम चल रहा है क्यों हो रही है आप इंडिया चोरी क्यों हो रही है तो यार आपको बताओ ना जिस की तरीका है क्यों हो रही है आवाम को आवाम यार अभी बात ना तो नाम ही देता किसी का गवर्नमेंट करने की तो गवर्नमेंट हमें
आपने आपको समझना चाह रहा हूँ, ये आपका हमारे वाम से आराम को गवर्नमेंट सही कर देना, गवर्नमेंट अगर साथ देते हैं पर तो आवाम बहुत ऊपर आ जाएगी, आवाम बहुत ऊपर आ जाएगी, आवाम जब डर आवाम को डर रहेगा तो आवाम सब ऊपर आएगी। आज के नई जनरेशन का लड़का क्या कहता है यार, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, मेरे को पाकिस्तान में वो नहीं मिलेगी अच्छी नौकरी, बाहर निकलने नहीं कर रहा है। आपके इस बारे में क्या रहा है? पाकिस्तानी भाई से जा रहे क्योंकि यहाँ कारोबार नहीं है, आप जितने कमा लो आपका जैसे जमा नहीं होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ बंदे में होनी चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, आप मेरी बात से आप क्या यहाँ पे भी कितने लोग कारोबार करते हैं भाई, कर रहे हैं वो ठीक ठाक कमा रहे हैं, हमारे वहाँ पे बात करने वाले कर रहे हैं बाथरूम में, ये देखो आप चले गए ना, आप अपने एफेक्ट है सही, कुछ जो आया वहाँ से कमरे को नहीं हुआ, लाइफ बर्बाद है भाई, जो बोलता है मैं बोलता हूँ मैंने अभी बर्बाद है, अभी पाकिस्तान जो हालत है ना वो जो बोला बर्बाद है, मैं बोल बर्बाद हुआ है जो बातें बर्बाद बोला है, अभी पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है बंदे जितना कमा ले जितनी डिग्री कर ले जितना पास हो जाए आप नोट कर लो मिडिल क्लास और अंदाज में पढ़ लिख सकते भाई, यहां ये सुनो यहां तो महीने 10 से 15 कमाई का मतलब ये है असर का बेटा, वो है कन्नड़ का बेटा, आप जितनी जान लगा लो जितनी जान लगा लो उनका बेटा लगेगा कन्नड़ का बेटा, मजा आएगा पॉइंट, आप कभी कहा कि वो असर का बेटा है वो मजा आदम बनेगा, वो कन्नड़ का बेटा है तो अपना कारोबार शुरू कर, कारोबार सरना संपत्ति सुचारी नोट नोट का है आपके पास, आपके पास तो लक्ष्मी पाकिस्तान बढ़ाने के लिए लक्ष्मी नहीं, हाँ मेरे भाई जरूरी है जरूरी है बड़ा कारोबार करो, तुम छोटा कारोबार करके खाओ करके खाओ करो, आप भी क्या करो जाओ अपना कारोबार करो, क्या करना भाई बाहर जाने के लिए तुम 10 लाख रुपए डालो, तू 10 लाख रुपए डालो बाहर जाने के लिए, 10 लाख रुपए डालो सरदार भाई, हां बस जाने आने कुछ दिनों में, चलो 10 लाख में आपकी मांग लो सरदार, में 10 लाख खा जा रहा हूं, हाँ दो साल में तोड़ देंगे आपकी, कैसे होंगे दो साल में, वहाँ खाली बेटों के साथ में खाली बेटों का 15 लाख रुपए सैलरी लगेगी आपकी, 2 लाख रुपए तनख्वाह लग रही है, कमा सकते दो महीने का, दो महीने में कितने का करूंगा, दो महीने में बोला आपने, अगर 10 साल आपने आपने बोला 10 लाख लगा दो महीने में कवर, दो महीने में एक साल दो साल में कवर होंगे नहीं होंगे, अच्छा बात सुनो बंदा तो आप यहाँ क्या खा रहे, आप नहीं बंदा तो आप बताओ कुछ चीनी चीज खाई है मुर्गे में, यहाँ बताओ बंदा तो पाकिस्तान में, और ये चीज पाकिस्तान में जाके बाहर मुल्क में VIP चीज प्योर बाहर मुल्क के लड़के जो हमारे पास आएंगे बोले हम फ्रूट ना छुपाई खाते हैं, पानी की बात नहीं करते ना, जितने कराची भी खिलाता है वो, अभी भी कराची डुबा है मगर आप भाई से ना अभी कराची खिला रहे सो के बोलते हैं कराची का बात है, आप से आपकी तो कमाल हो जाएगी, और कराची बोला था सुन भाई से लाइक की वो दुबई बना में कराची सुनो सिलाई की दुकान पे टैक्स मिला है ना, अब मैं 10 साल तुम इधर ही हो, हम लोग को मान लो सुनो अब माजी को जो फिर मिला क्यों नहीं मिलती बताओ, बताओ तू क्या माजी ने माजी ने क्यों माजी जब तू जो मिलती है हम लोग कसूर क्या है हमारा, पठान वगैरह जो भी हो मेहनत करता है किसी भी मार्केट में चल जाओ आपको माजिर बहुत कम दिखेगा, और पठान देखो तो अंदर धूम मेहनत कर रहा है, उसको अपनी मेहनत का फल मिलता है, रहती है पठान ने अपने आप को बनाता है, मैंने हमारा माजी जो देखेंगे झाड़ मारता है सही याद है हमारे झाड़ मारते पर देखेगा यार हमारा माजी पीछे से है, मगर माजी बात पीछे से क्योंकि हमारे हाथ पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं माजी बोलता है शॉर्टकट, वो इसलिए करता है हमने बनाया है अपने
कपड़े सड़े पहने वीआईपी फिटिंग करी है, तो किस लिए करी? इसलिए करी तभी तो करी तुम लोग। मैंने अपनी कंपनी में काम करा है, मैंने झाड़ू पिला कंपनी नाम था, मैं भी कंपनी सपोर्ट करता हूँ। मेरी कंपनी जो भी है, मेरी कंपनी मेरे ओनर जो है बहुत बेस्ट है, जीएम से लेके ओनर तक मेरे बहुत ख्याल कर रहा है। थोड़ा ऐसी बात नहीं है भाई, मगर छुपा कराची का मुकेश अंबानी कौन अली शिकानी का, उन्होंने भी एक टाइम पे झाड़ू लगा दिया भाई। बंदा ऐसे नहीं बना, लेकिन वो भी टाइम लगता है, सबर करना पड़ता है, बाहर मुल्क जाके बने ऐसा ही है। अभी भाई ऐसे बाहर मुल्क जाके कैनेडा में उसको इतना पूरा पाकिस्तान भेज दे रहा हूँ, क्या कह रहे हैं पूरा पैसा पर पाकिस्तान भेज दे रहा हूँ, लेकिन काफी पठान जो था अफगानी, वो पाकिस्तान में वाजिब हो रहा था बच्चों को मारे, उस साहब मेरे पाकिस्तानी को क्यों आया मेरे पास में बैठ के, तो गाली लगे तो छोड़ दूंगा उसकी पूरे स्टेट गाली उससे। क्यों गाली? क्योंकि हमारे पाकिस्तान सपोर्ट करता है, यहाँ से निकल गया सपोर्ट कर रहा है बंदा, अपना बंदा अच्छा है वो बंदा, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत नया बंदा है और पांच लड़के मिला भी रहा हूँ, तो बंदा वो बंदा काम है जो बंदा पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है। पीठ पीछे बुराई वो करता है जो कभी कामयाब नहीं हो सकता, ना वो खुद होता है ना किसी को पता है, ना किसी की खुशी में होता है भाई। यार ऐसा है, मान तो उसका भी है, मगर वो अपने अपमान को सुपर कर रहा है पाकिस्तानी लड़कों को, बस मैं इतना जानता हूँ। जेडीसी को कितना दिया माशाल्लाह, और अभी भी बोलता है दे दो भाई, क्या साला है ये, मत रहने वो वाइट करना सिंपल यार, दे दो वाइट करना, दे दो वाइट करना, वो मुझे वो काला काला, मगर देखो अपनी भाई को सपोर्ट कर रहा है बस, और माशाल्लाह आप ये एक टिक खरीद रहे भाई। हां क्यों खरीद रहे? आप पैसे नहीं खरीद सकते ये, आप क्या सोच रहे भाई, कौन कह रहा है ये, आप सोच रहे हो बोलता है, आप भी ना सुनो सही है, लेकिन उस बंदे ने सोच रहा है हाथ में आ गया ना आवाम समझ जाए हमारा बेड़ा भाई किया, मेरी बात का जवाब दो, आपने उसकी वीडियो तो देख ली, आपने उसके बाद एक और वीडियो बयान सुना इसका, क्या कर ये बंदा कहने के खरीदने पीआईए का दिन दूंगा उसके लिए परवास कर दूंगा, आपने सुनी थी ये बयान? नहीं सुनी मैंने, खेल लेंगे क्या होगा, और कुछ नहीं है क्या बता हुआ, क्या बताओ ना, मैं जानता हूं कुछ सो के बंदा बात, नहीं नहीं मैं ज्यादा बात नहीं करता, आप ही ना देख रहे हो ने क्या बोला कि मैं क्या इलेक्ट्रिक खरीद लूंगा, उसके फौरन बाद एक वीडियो आई कि अगर क्या इलेक्ट्रिक खरीदने में पीआईए खरीद लूंगा और मैं फ्री बर्बाद कर दूंगा, उसने क्यों बोला, चौ बंदे ने क्यों बोला ये बात उसके बयान में, उस बंदे को पता है ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, अगर मेरे भाई अगर चार मिल गया तो खरीदेगा, सुन लो खरीदेगा ये चीज आपकी, आप बोलो वो खरीदेगा
यार आपकी सोच असल में भाई आदमी का ना आदमी का झाड़ू मारने की 15 लाख टंका है झाड़ू मारने की भी होगी तो बता बिजली बंद कर लेकिन नहीं कर सकता आपकी सोच है यार आप लोग की सोच छोटी कर दी थी कि आप छोटे बस से खरीद सकता मैं यहाँ पे बात करूंगा कभी टिकटॉक नहीं बने जो आवाम को सपोर्ट पाकिस्तान के लड़कों को सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट लड़कों को सपोर्ट कर रहा है वो ऐसा ही मतलब कर रहा है वही पाकिस्तान से लेके गया है उन्होंने पाकिस्तान के ग्रुप देखा कैसा आया है तो जब भी उन्होंने पाकिस्तान के अफगानी का बंदा गाली पकड़ा था ना वो सुनो गरीब हो बगल में लगी हो तो उसका उसको जवाब दिया उसने कोई लिख करके जब वो लिख करके जब आया ना उन्होंने जवाब उसको रिश्ते निकाल दी उसकी कहां से बात को क्या है तू नौकर है नवाब नहीं है तेरे अपना घर नहीं है ना तेरी गाड़ी है तू नौकर है वो जो गाड़ी उसके पास है ना जो गाड़ी उसके पास है ना जो गाड़ी पर वो चीजें गाड़ी उसके अपनी पास है अभी बच्चों में पता नहीं हमारी फौज देखी मैं को बोलता भाई मार दे गलत नहीं बोलना है अगर हमारे हक पर है हक पर है हक पर है मैं ना नाम सपोर्ट नहीं जानता मैं किसी सपोर्ट नहीं हूँ मैं ये कह रहा हूँ अपने मुल्क को सही करो बस पाकिस्तान जो है ना कैसे बहुत दुखिया पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान की बहुत बेदर्श हो गई बाहर मुल्क के अंदर भी सही कैसे आज दुबई का बैन क्यों लगाया पाकिस्तान की क्यों लगाया बताओ भाई जान सही कैसे होगा नहीं लगा बताओ ऐसी से होगा हमारे पाकिस्तान हमारे सरदार भाई हुकूमत है ना वो सही कर दे नबील भाई की तरफ आते हैं नबील भाई आपका एक मेरे तरफ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एक होता ना अपनी वीडियो में लड़की बोला वायरल हो जाए इसके बारे में कुछ बोले या अभी तक आप लड़की लाए नहीं जिंदगी में कोई लड़की 28 साल उम्र लड़की जब होगी साल उनकी है भाई लड़की जब होगी नहीं नहीं है लड़की है जाहिर नहीं करते ठीक बात है हां लड़की है जाहिर नहीं करते लड़कियां बहुत दिन बस बहुत है माशाल्लाह सारे कुछ छोड़ जाते उसकी ठीक क्या करता जाएंगे तो बता लड़कियां बहुत मगर ये दिखावा नहीं करते जिन किसी ने आते क्योंकि घर व्यक्ति को टिकने की वो तुझे बाहर लेके आते वो जो लेके लेके आते लड़के बाहर आते हैं जो कि घबराए कुछ कहते हैं नहीं यार हम लड़कियों की इज्जत करते हैं भाई नहीं नहीं हमने भी नहीं लाते ये आप समझे मैं आपको मैं आपकी मिसाल तो दे रहा हूं भाई वो आपकी तहरदारी कर रहे हैं मैं आपको मिसाल दे रहा हूं आपकी घर की इज्जत है आपकी फैमिली की इज्जत है आप बाहर जाते हैं उनकी फैमिली की इज्जत बाहर लेके आते हैं आप समझे बोले तो ये उनकी हमारे बेगम हमारे सामने माल नहीं है यार पता रहा ना बस जो लेके आ रहा हूं मैं दिमाग नहीं है नहीं तो आप नहीं ना आप आपने अपने लिए क्या किया मैं आपको मिसाल दूंगा तो मिसाल है एक तो आप बड़ा करोड़पति बहुत बड़ा मतलब वो इतना बड़ा जो मर गया ना जब मरा तो उस पे लिखा गया था पर्ची के प्रति समझ के लोग गांव में निकालना चाह रहा हूँ उस पर पर्ची लिखा था भाई जो इस चीज जायदाद का मालिक वो होगा
जो उसके साथ कवर में पानी लेटेगा, पानी लेटेगा, तो वहां से गधा, सही है, एक गधा बंदा जा रहा था। तो उसने बोला मैं बैठूंगा, ये जिस सारी जगह मुझे मिल जाएगी। उससे बोला मौलवी साहब से बोला हाँ सारी जगह आपको मिल जाएगी, 5000 ले लो। उसने बोला ठीक है, उसको उसने लिटाया, बंद कराए, 2 मिनट लगे उसको। उसने बोला मैंने उठाओ निकालो, जब उसको निकाला गया, उससे जब सांस लिए पानी पिलाया, उसको बोला हुआ क्या, बोला भाई मुझे ज्यादा जोर चाहिए नहीं, बोला क्यों हुआ क्या, बोला बस चाहिए, बोला फिर बताओ तो, बोला भाई मैं अपने घरे का साथ दे नहीं पा रहा, मैं भी जाजत का जवाब दे दूंगा, जवाब पीछे दूंगा, बोले मैंने गधे को मारा उसका जवाब दे दूंगा, गधे को मैंने खाना टेंशन दिया उसका जवाब दे दूंगा, उसको बगैर बोले उसको रोड रखा उसका जवाब दे पा रहा, उसका जब उसका अभी तो साफ उस गधे का हो रहा है, मेरा बाकी है, मैं जाजत का बाकी मैं जवाब दूंगा। तो ये हम सोचे पैसा सब कुछ नहीं है, अपनी नमाज भी जरूरी है, अपनी आखिर भी जरूरी है। यहाँ से दुनिया पैसे पैसा देखो लड़ रहे झगड़ रहे आवाम लड़ रहे। सिद्धार्थ भाई मैं आपकी बात काटूंगा, सॉरी बेटा, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला था, लड़कियों को लाना नहीं है, सही है, लेकिन व्यूअर्स में ना, यानी हम काफी लोगों ने देखा है, मेरे पास मैंने कमेंट भी देखा है, इन्होंने बनाई है लड़के के साथ वीडियो, वो क्या है नहीं, आप अपने प्रोफाइल में खुद जाके देखिए, न्यूड है, हैं न्यूड करा हुआ, जो भी न्यूड लड़की का है ना, न्यूड करा हुआ यार भाई, हमारा भी है न्यूड करा हुआ, अगर राजस्थान में लड़की आई है तो बोल, क्या बताओ आपको, छोड़ो नहीं यार, न्यूड करना है ये खुद लाने का है, देखो लड़की के साथ तो आप जुड़ रहे हो ना, भले न्यूड कर रहे हो, आप एक जुड़ रहे हो जो बैठे वो बैठे तो आप नाम हो गए लड़की है, आप देखोगे आप लड़की ऐसा देगा आप समान सकते बंदा देना नहीं, हाँ अल्लाह पाक ने वसीला बनाया लाभ नहीं हर किसी का, हर किसी का अल्लाह पाक बोलता है सिद्धार्थ भाई दूंगा भाई, मेहनत को सिद्धार्थ भाई रात को भूखा कोई नहीं सोएगा, और जिंदगी में वादा है काम अल्लाह ने वादा करा, वादा करा आज भूखा कभी सोता है अल्लाह वसीले बनाने की बेइज्जती भाई, बंदा खा के सोता है भले वो कहीं सोए नहीं है, सिद्धार्थ भाई सोए नहीं हूं मेरे भाई, भी भूखा सोए नहीं, एक मेरे पास मिसाल है, वो सोए नहीं है कभी, जिंदगी में नहीं है, मगर वसीला बनकर तुम्हें बाबा है तुम्हें मां भिखारी आता है बंदे के पास ना, बोलता है यार मेरे को ना वो चर्सी होता है पीने के, मेरे को पैसे दे दे, वो बोलता है नहीं भाई मैं तेरे को पैसे नहीं दे रहा, तेरे को कुछ खाना है मैं तेरे को खिला देता हूँ। उसने पता क्या बोला, उसने बोला नहीं खिलाने का छोड़ो, खिलाने का वो रब मेरा खुद कर देगा, तो सिर्फ मेरे को इसके पैसे दे दे, सही है। अब वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, तो वो जिससे पैसे मांगता है वो बंदा उसके पास जाता है, तो वो उसको खुद कहता है देखूँ मैं इसको, इसके पास खाना आता है कहाँ से, तो ना अब वो जाता है एक शादी की ना वो थाली नहीं होती दे रहे होते हैं पार्सल कर होते शादी में लड़के लगे हुए होते हैं, तो वो पार्सल कर उसमें से एक थाली गिर गया, तो जिसकी जो बिरयानी थी ना वो जमीन पे गिर गई, तो उठाई नहीं किसी ने, तो वो पोटरी ना यानी जाता है और वो खा लेता है, तो वो जाता है भिखारी,
बोल रहे बिहार वो बंदा जाता है जिससे पैसे मांगता है, जिससे पैसे मांगते हैं उसके पास जाता है, तो पता है क्या कहता है, बोलता है तू ये जमीन पे बैठ के खा रहा है, वो पोल्ट्री उसको जवाब देता है अल्लाह भी थोड़ा सा नाराज है वरना हर बार थाल में देता आज ऐसे दिया कुछ मेरे से खता करी थी मुझसे कसूर मेरा खतू यानी खाने को हर किसी को मिल जाता है बिना पैसे मिले मिल जाएगा मगर वो थोड़ा देर से मिलेगा मगर अच्छा मिलेगा मगर समय करो आज ये मांग सपोर्ट नहीं करती है मतलब क्या मतलब देगी अल्लाह देगा वो मालिक है हमारा भाई हम समझे इन चीजों को करवाओ से ज्यादा प्यार करना समझ लेगा आप मतलब आज मांगे से तो आज ही मिल जाए कल मिल जाए नहीं भाई भाई होगी अब हाँ दुआ कबूल देर से होगी देर से जब होगी ना जब होगी तो मैं जब देगा तो तुम्हें इसका साथ भी देना है तुमने खर्च क्या करा किसको दिया किसको दिया किसके जरिए में कमाया किसको हमने देके जताया किसके सारे क्या मदद के लिए आप ऐसे दो किस दूसरा को मदद का दे दीजिए उसकी तो ये चीजें हैं आते हैं वसीले बनते हैं लबाब उसके लबाब वसीले बनाता है अच्छा शहजाद भाई अगला सवाल आपसे ये है कि 2024 में ओ 2024 से चले 2025 में मैंने सुना तल्ला के दादा ये क्या लगा कि देर होती है अगर ऐसा है तो नहीं तल्ला तो बंदा खुद देता है तल्ला खुद देता है देखो ये बंदा जब बात होती तो होते हैं बस ये तो बस संभाल लेंगे मगर तल्ला का जो दर्जा है ना वो अल्लाह का जो धोखे मारो पिटरो बंद को मारो कुछ भी नहीं है इतना इतना मैं होता है तलाक से एक तो रिश्ता जुड़ा जुड़ा और टूट जाए रिश्ते जुड़ा होता है और खुद फैमिली जुड़ी होती है इससे जो पूरा पूरा खानदान पीछे हमारी माँ ने भारी है हमारी माँ को सुलूड है हमारी माँ जैसी किसी को बताओ किसी को अब जो नस्ल है ना वो निभा नहीं पा रही पता क्या पहले तो उनको मोबाइल चाहिए औरत को अभी भी नस्ल जानी बच्चा मिल गया नहीं मोबाइल चाहिए छोटा बच्चा बनाने आप मोबाइल लोगे ना मैं आपको बात नहीं करूंगी आपसे सुन लो हाँ घर में ध्यान दोगे आपको मोबाइल नहीं मिलेगा जरूर अभी क्या अभी किस पैसे बचे हमारे माँ बाप के आज हमारे माँ बाप तबियत देंगे ना बेटी बेटा तू माँ देना जीना मरना वही है तो तू वो रहेगी जीगी वो सब कुछ तेरा दुख सहेगी अब लड़की बोलेगी लड़की को माँ बोल अब मानना कौन लड़की आई जू हम तो मान लेंगे जी तो बच्चे को जीने दे तो आज भाई बेटी घर निभाए सब कुछ करे दोस्तों निभाए क्योंकि माँ बाप ने बोल दिया तेरा घर बंद है यहाँ से तू लड़की आएगी घर तेरा बंद अगर तू लड़के अगर ऐसी आएगी तेरे घर खुला हुआ सब कुछ खाया पी मगर लड़की जिंदा आएगी तेरा घर बंद है ऐसा हर बार माँ बोले ना तो खैर ऐसा नहीं भेजेंगे जोड़ा भी भी और आज के हमारी फैमिली अगर ऐसे हो जाए ना तो घर वाह लव मैरिज के बारे में कहें लव मैरिज जो आजकल नाम हुआ है आम नाम है ये घर जाए मगर उस तरह अरे अरेंज मैरिज किसके सपोर्ट में नबील भाई मैं आपसे भी मुखातिब हूँ लव मैरिज अरेंज मैरिज या तो लव मैरिज को चाहिए लव मैरिज तो दोनों चाहिए दोनों कौन चाहिए मगर नजायज इज्जत के साथ इज्जत की शादी करके मतलब जैसे अगर दो लड़का लड़की ये मंगी संगिया ये कुछ भी हमारे सामने है ही नहीं सही जो बात निकाह करो निकाह करो निकाह के बाद जितनी बार बोला तेरे करो सही रुक सकती है आपकी मर्जी है वो आपकी मर्जी वो के बाद अभी एक दो दिन पहले ना बयान सुना था तो वो अपना बयान सुना नहीं टिकटॉक पे आ गया थे नाम भूल गया मैं उनका ना लामा साहब का मुफ्ती वो जो मुफ्ती तालिक मुफ्ती जो है नहीं नहीं तालिक भाई वहां पे थे मुफ्ती पता नहीं नाम भूल गया तो कहना मैं बता दूं उनसे ना किसी बंदे ने ना सवाल किया कि कायद साहब निकाह कर ले भले रुख्सती नहीं हो निकाह करने के बाद हम हमारी यानी हमारी लड़की जो हमारी बेगम होगी उसके साथ क्या मुखाती कर तो क्या कहते हैं बोल रहे हैं भाई रुख्सती आप जब दिल चाहे करो कर दो वो मेरे को अभी मेरे नाम मेरे को याद नहीं है वो शेर है उनका यार नाम मेरे को भूल गया थोड़ा गंजे से है ना चलो आ जाएगा मजा आते तो शायर में शेर बताऊं तो आपको शायर याद आ जाएगा वो कहते हैं ना कि मुंतजिर हूं जरा सितारों की आंख लग जाए निकाह के बाद ये बंदा मुंतजिर हूँ जरा सितारों की आंख लग जाए चांद को छत पे बुला दूंगा इशारा करके शायद आपको शायर याद आ जाइए तो बोले निकाह करके रुख्सती कभी भी कर लो क्योंकि निकाह आपका हराम है
हलाल है। आप उसके साथ घूमना पिनना, आपको किसी का मायके का नहीं होता, सिर्फ अल्लाह से। बस ये मैं चाह रहा हूँ, जो हम लोग जो हम आप पीछे पीछे से निकल पीछे से जाए, क्योंकि हमारा माँ बाप से बदल रहा, तो हमारी बेटी से भी आज जो दूसरी तलाक हो रही है, अगर आप सपोर्ट कर लो तो दूसरी कर लो, दूसरी कर लो पहली नहीं है उससे कुछ कर रहा हूँ, उससे ध्यान देने तो नहीं है, हमारे सामने नहीं है। हाँ नहीं है इस्लाम पर, तो उससे बहुत अच्छा रहो, वो मना करता तो आप कर लो मैं ठीक है। और दूसरी बात पता ये है, आप दूसरी कर लो, दूसरी के कुछ उसके खुद पूरे कर लो यार, तो उससे करो बेशक बेशक। अगर पहले नहीं कर पाए तो आप नहीं करो, कुछ जो अल्लाह ने दिया है उसमें शुक्र करके मार कर गुजारो। सही है, कहीं आप क्या हो वो भी रुल जाए, ये भी रुल जाए, ये भी रुल जाए, ये भी रुल जाए, ये गलत है। डालेंगे ना तो बोलते कबर पे सेकेंगे, नहीं जब छोड़ा तो आपके जब आप सपोर्ट चार लोग सपोर्ट कर लोगे, शादी कर लो अपने आप, उसके हकूक पूरे कर लोगे आप कर लो। चार शादी को ये नहीं बोला कि कुमारियों से ही करो, नहीं नहीं वो भी नहीं आपको, नहीं आपको ये तो स्लैंग था कुमारी ना भाई, बेवा भी हो हाँ ज्यादा ये ही बोल रहा है, जब भी चार शादियों का बोला देखो आज अपनी आवाज बिठाने के लिए नहीं बोला है, ये गन्ने आप समझे में बोले सारा, मैंने आपस का बोला नहीं, मैंने आपको वो बता हूँ तो क्या उसकी सब जोड़ते पूरी करो, उसको क्या जोर दे उसको क्या, जब आपके जब आपके हमें पूछते ना वो देखती है आपको, मेरे शोहर आ गया आ रही चाय लेके आ रही पानी पानी रखती है आप चाय थोड़ी बात चाय लाने, वो बीबी काम है जो अपने मियाँ को समझ रही है बेशक, और उसकी जो जो उसकी माँ आपको समझ रही है वो लड़की भी आगे अगर आप जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि जब तक मर्द चला रहा है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको लेडीज चलाती है, वो ऐसे आती है क्योंकि वो गुलाम होते हैं, लड़के यानी जो शोहर होता है हस्बैंड होता है वो सही है, बेगम की जीत होती है सही है, क्योंकि आपको पता क्या मुस्लिम गुलामी तरह से गुलामी नहीं है यार, बीबी के मन सुन चाहिए मगर जमीन की सुनो, मगर जितना हर बात में नहीं सुन हर बात भी गलत है तो गलत में दावत का फैसला ऐसे बंदे कभी कामिल होते हैं ऐसे बंदे बर्बाद होते हैं क्यों, अगर बीबी भेज रहे आप वो कुछ भी कर ले आप कुछ भी करते उसका आपको क्यों करते, क्योंकि आपने ठीक शुरू में आपने की सही बात, गलती आपकी गलती ना आपकी उसकी ना आपकी, आप गलती क्योंकि आपने ठीक दी, अगर शुरू शुरू में खड़ा कर दे आप गोल पकड़ लेते ना आप हम छोड़ 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 देना चले यहां से, वो टिकटॉक पे आ गए थे फोन पे आ गए चले बड़ी हमारी बात पे से आप का सुना सही सही बड़ी यही क्यों नहीं करती है जो आज सुना नवे भाई एक बात मैं ये तो यार जो को यार लड़की को क्यों नहीं करती है, अगर जो को नहीं क्यों क्यों करती है, जब ये कमाता है मजबूरी है हमारे में, हमारे घर तो नहीं है ना, सुनो वो तो मैं वो तो बोल रहा हूं भाई बोली है, आप जो लड़की जॉब करी ना जो लड़की जॉब करी लेकिन पढ़ते में रह गए भाई, पढ़ते में रह गए भी जॉब होती है बोल रही कर रही है कर रही है, मतलब देखो जो आज जो लड़की जॉब शॉप में लगी ना मैं बोलता हूं गलत कर रही जॉब, यानी उनके पास ऐसे एबिलिटीज हैं कि सब जो कर रही है भी ऐसी के लिए वो गलत, हमारे साथ में देखो अगर मजबूर है घर में आपको मां का हालत दुनिया को अकेली बहन कमाने वाली है तो उसका कसूर है वो जॉब कर परेशान है सेटिंग कितनी सेटिंग हमने बहुत करी है
अभी कितनी है? अभी तो इंडिया से शादी हम भी गुनाह करते हैं, सब गुनाह जो अपने अपने जो गुनाह है किसी होता है जितने कदम गई आपने जब मरने के कदम करो फिर फजूल लेकर बेशक बेशक मैं बोला सब फिर नमाज फजूल कदू ले आपकी
ऐसे फालतू क्या है मालूम भाई हमने आपको देखिए लग रहा है आप मैंने सारी बातें दबी हुई थी मैं कैमरे कब बोलूं कैमरे के आगे मेरे मां बाप से नहीं होता मैं अभी बाहर भी अपन नहीं बाहर ना अगर बात बात नहीं करे मेरी बात से जितनी शादी हुई मेरी तो मैंने बहुत अब जितनी शादी कर दी तो मेरे आधे घर में जो करने का सब कुछ खा पी कर मैंने बाप इतना शादी हुई शादी में एक हुई दूसरी करने के बोला ना कोई कराया है जब नोट हो गए पहले ऐसी तो उसको दे दी थी जब एक को कमा रहा ना खिला रहे दूसरी को दे दी करनी है यार अभी वही तो बात हुई थी जब तक आप उसके हदूद पूरे कुछ भी नहीं है पहले बनाना कुछ बनना है बन के फिर आगे बढ़ना है फिर शादी सोचेंगे फिर करने का एक पाँव का भरने एक पाँव का सोच को मैं सलाम कर रहा हूँ वो उसमें अभी भी इतनी काबिलियत है कि मैं यार अभी भी कुछ कर सकता हूँ यानी दूसरी शादी कर सकता हूँ वो जाना है शादी की बात नहीं करूंगा मैं बोल रहा हूँ अभी मैं और ना नहीं लगा ये तो दे रहे हैं कुछ बनाना भी कुछ बनाना है हम को दिखाना आप भी तो कुछ बताएं कम से कम शिकार का ही बोले यार लेकिन मैं उनकी बात हर शादी शादी जो करी ना वो मेरे भी माँ को से कहनी थोड़ा मसला ऐसा कंडीशन जो करनी मैंने शादी नहीं करता क्योंकि मेरी माँ को बनाना था मुझे उनको ऐसी जगह खड़ा करना था जो मेरे माँ जाए कोई सामने जाए तो सोच रही थी ये लूं बाहर रखे माँ को ले जाऊंगा शादी जितनी होगी कर लेंगे जितनी के भाई जा रही है वो है सुनना तो चाह रहा है विनती है आप दो बार सिर्फ पांच बजे करते हैं मगर हमको पूरे करने चाहिए मसला यहां आता है भाई लेकिन चार पांच छह तो आ तो गए और शादी में फिलहाल अभी नहीं करूंगा अभी भरा इनकी एक नहीं हुई 21 दिन की ये बुड्ढे हो गए क्यों मैं ये ब्लैक कलर लगा रहा है इनकी भाई बात है वरना कैमरे फोकस कर लो अगर भाई मैं 27 साल का हो गई 28 लगने वाला मेरे व्हाइट बाल गाड़ी में कहीं दिखा दूंगा व्हाइट फोकस कर दो और ये भी आ रहा है लगवा गया मैं जिंदगी में मैं भाई को बता दिए अरे जिंदगी में करूंगा जिंदगी में बोले बेस्ट है ये बता रहा है मैं आलू के लगा नहीं ये सुनना तो है गाड़ी और बाल का आ रही है भाई मैं लगाते नहीं गाड़ी और बाल का कलर ये लगा रहा है सब लगाते नहीं है हमारी आदत कलर अलग आ रहा है आप लेकिन करो खुदा देगा कलर अलग नहीं बोलता मैं उनको ओवर नहीं खोलो वो मुझे आपको समझाओ आदमी या मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप जो तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप तो मेरे माँ बाप करेगी मैं तेरी माँ किसे करूँगा अगर तू मेरे माँ की दो तरीके से करेगी ना तो तेरे माँ की दो तरीके से नहीं करूँगा तेरे माँ को समझ मैं तेरी माँ को समझूँगा और तेरे भी हमको मैं पूरे करूँगा तू उनको खुश रखेगी अगर उनके मायूस हूँ जब घर में आऊँ तो मेरे को सब खुश नजर आए मेरे माँ की से मेरी माँ की सेवा खुश नजर आए जिंदगी जब मैं आगे को आया था तब तू खुश थी तू आई है तो मायूस हुई है तो तू कसू आए ऐसा ना हो शादी करिए तो माँ को हुकुम पूरे कर हर लड़का चाहता है मैं माँ को आज कल जो लड़के जो चल रहे हैं मतलब जो माँ को लड़की के बीवी के बाद में आके माँ को चल हाँ। तुमने कैसे बोला उसको नहीं ये गलत है तू आज जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए तू आके भड़का रही तो भड़क के तू माँ पे जा रहा है जे लड़का बेगैर बोल रहा हूँ और डायरेक्ट भी लड़ा हुआ यार क्यों मतलब बोलते हैं बेगैर था लड़का जो लड़की की बात चल रहा है वो कभी काम ही नहीं होगा जो माँ की बात चल रहा है जो माँ की बात चली यार माँ की बात चलेगा वो बंदा काम नहीं और जो बीवी चलेगा ना वो जिंदगी बर्बाद ही रहेगा आज तो जो दो दिन भी है कुछ है जो माँ से लड़के अलग बगैर रह गए जो माँ को पूरा बोलते हैं माँ को मारे भी है लोगों सुनाए बात ही कर लेते हैं कोई दोस्त मेरे बाकी हैं मगर मैं बोलता हूँ क्या बताऊँ जिंदगी एक दफा पड़ेगा वहाँ अल्लाह से पड़े तो किसी पढ़ना पड़ेगा अभी शादी का कॉन्सर्ट बहुत हो गया हाँ
दोस्तों के बारे में कुछ? दोस्त है जो बोले जो निभाए साथ, दो जो साथ वो निभाए। दोस्त से वो नहीं है जो आपके साथ, वैसे बता दोस्त वो जो आपके बुरे में साथ खड़ा। आप मतलब आपके साथ कोई परेशानी हो, आपको दुख हो, आपको हाथ चाट रही हो, आपके साथ कोई हादसा हो गया, जो आप तक खड़े हो दुख में, वो दोस्त है। बाकी कोई अभी दोस्त मस्त नहीं मुझे। जो आपके साथ बुरे में खड़ा है वो आपके साथ दोस्त है, जो आप जब बैठ रहा है हाथ के कंधे में रहा है वो दोस्त नहीं है। वो दोस्त है चाय पीने चाय पीने भाई चल, वो नहीं है दोस्त, वो है जो आपको मिल रहा है आपके साथ देख के हाथ मिल रहा है। चाय छोड़ मेरा बैठ तो मेरा फ्रेश हो जाए आपको मैं दुख में तो लगा मैं चल, वो दोस्त है जो आपके दुख को समझे। वो नहीं जो बंद करके बोला चल यार घुमा के ना, वो दोस्त नहीं, वो आपको मतलब निकालना है, वो आपको मतलब निकालना है। दोस्त वो आपको समझ रहा है, आपको देख रहा है मेरा दोस्त परेशान है, चल इसको घुमा के ना तो मैं फ्रेश करूँ, दोस्त वो है हर दोस्त है दोस्त ही। नवीन भाई आप क्या राय देंगे दोस्तों के बारे में? और मैं जितना काम दोस्तों के आया ना जिन पांच लोग गया मैं इतना काम की नहीं, जिस जितना बैठा हूँ मैं जितना काम मुझे मैं आया ना उनने मुझे कुछ सजा नहीं दिया जिसका मेरे उनका जो मेरे काम में तो समझ गया मैं दोस्तों जिन भी दोस्तों काम हाँ आया वो वीडियो देखे मैं उनके करने मेरा खुशी करते हैं जितना मैं काम आया हूँ कि जितना मैं काम एक आवाज़ फोन पर सोते रहे कि मैं एक आवाज़ पर जा रहा हूँ अम्मा बोली काम एक जगह जा रहा हूँ अम्मा बोली कुछ जा रहा है काम नहीं आता मैं गया हूँ उनसे बात करके मैं आ रही हूँ गया हूँ मैं के गया जब मेरा बुरा होता है ना जब मैंने फकर से मुझे फोन कर लिया खड़े मेरे साथ मैंने भी फोन करा एक को ढाई अगले को ढाई बात फिर मैंने आया जब थक गया ना मेरे से मैं आया तू मेरा आज हुआ मैं उससे बना मैं थक गया मैं मारी जब बंदे उससे बना ना मैं थक मेरा राजा है दुनिया में करेगा बंदे सब मेरे को आज के दिन में दोस्त से मिलता ही नहीं बस सिर्फ ये मसला है जो आपके साथ बुरे जो आपके साथ बुरे में खड़ा दोस्त वो जो आपके साथ है जो दुख में साथ में आपको परेशान में खड़ा हुआ है वो दोस्त है हर दोस्त एक जैसे नहीं होता बेशक बस जब भी दोस्त में खत्म कर दिया था आपको फोन भी करता मैं फोन उठाता नहीं ना बिठाता हूँ ना फोन ना फोन करता हूँ फोन भी करता मैं जाता मैं उससे बात नहीं किधर गया ब्लॉक कर दो मैंने क्यों करूँ क्यों कर दो ये क्यों कर दो
रखो मैं लगाओ दिखाओ लगाओ दिखाओ अपने दूसरे बेटा वीडियो बना खा कर सब कर रहा हूं उनको दिखाओ दोस्त तो मिलता जुलता हूँ मगर इतना जो पहले मिलेगा था ना वो नहीं है इतनी नबील भाई का मिला फकर से बोलने वाले वो ही बंदे हैं बस नबील भाई आप कुछ राय दें दोस्तों के बारे में हाँ सेम राय है सेम राय जैसे आप भाई हैं दुनिया एक तरफ बोलेगी क्या एक है हाँ मतलब एक होना चाहिए पक्का वो एक बदले ना पसंद देख के तो उसको जो अगर उसके अंदर बुराई कर रहा उससे तो उससे ना पूछे तुझसे पूछा कि तू बुराई करी है ये करिए बस चुप हो गया अगर उस बंदे तू बुराई कर रहा है तुम्हारे दोस्त की तो उससे पूछ रहे तुम तो पागल हो ये पूछो उससे ये बुराई कर रहा ना तो दोस्त से काट चल वो जल रहा है अच्छे दोस्तों के जल रहा है ना हाथ तेरे खा रहे घूम रहे हो जल रहा है वो तुम्हारा ऐसी बात है अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं दिल से तुम्हें करोगे यार तुम मुझसे मेरे भरोसे है तो उसकी बात मुझसे पूछ रहा तू एक अपनी अच्छी दोस्ती जो तीसरे के बाद अच्छा जलाने में बहुत होते अपन लोग की दोस्ती है तो तीसरा जलाता फिर बोलता यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये दो एक साथ मेरे कैसे ये बहुत है यार बात है कोई हम मैं दी की बातें नहीं बता रहा हूं ये बात समझे लोग आवाम भी समझे दो भी समझे दो बार कौन जिंदा रहो जो आपको फोन करे रात को आप 3 बजे बैठे हो आपकी तरफ यार मसला हो गया आजा यार काय ले भाई मैं आ रहा हूं तू बैठ कहां है तू बस हॉस्पिटल आके डायरेक्ट हॉस्पिटल ले वो कराची के लड़के जो बोलते हैं यार गाड़ी चाहिए गाड़ी दे भाई बोले आज इसीलिए दोस्त और असल और नस्ली दोस्त वही है अब जैसे अपन जो दोस्त है नस्ली दोस्त वही है जब बात खत्म हो गई ना तो दूसरों की बेगैदरी में जाके अपने राज ना असल मेन बात जो दोस्ती यही है असल बात मैं आपको समझा रहा हूँ आप ये जो समझ रहे हैं मीडिया वाले देख रहे होंगे मैं दोस्ती समझा रहा हूँ दोस्त को रखो जो आपके साथ बैठा हुआ है जो खा रहा एक बार के आंगन में देखे हुए जो आपके साथ खा रहा पी रहा है ना वो दोस्त सही है जो खा रहा पी रहा है जो आपका धुंध खड़ा रहा है वो दोस्त आपका है नहीं नहीं खाना पीना तो एक अलग है ना वो तो वो खाने का तो क्या भाई आज तू ही यार तू ही यार तू ही तू ही तू ही यार तू ही यार तू ही यार नहीं यार तू मेरी बात नहीं है तो मैं कंडीशन नहीं है तो फिर देखा सामने तो तू निकालता तो मैं निकालूं पूरा नहीं है सही है ठीक है अब मैं शादी के नेक्स्ट दिन आएगा ऐसा कि अब हम हो गए अरे आएगा भाई ये ले हां मैं बता के चलाऊं अगर तो वो दिन आएगा जरूर आता है हर बंदा काम याद होता है लबा दिखाता है बता रहा हूं और वो छोड़ दवाल जिंदगी का हिस्सा है यह बुरा होता है ना बुरा होते ठीक है लबा आपका अच्छा होता हमने नहीं देखा आपके पास गाड़ी थी माशाल्लाह से गाड़ी थी पैसा भी था आपकी दोस्ती आई हमने नहीं देखी थी ना अरे नबील भाई यानी जो सही से बात नहीं करता ना चला दोस्त को इज्जत देते हैं यानी जो इज्जत के काबिल नहीं होता नहीं देगा बचपन से देखते हुए आ रहे हैं नहीं नहीं आज तक अजय भाई नबील भाई बोल रहा है नहीं बचपन से देखते आ रहे हैं हमने इज्जत दी है इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा छोटा इज्जत दी है मैं इन लोगों के हमारे लिए बच्चे बुरा सोचते हैं ना जो मेरे बुरा सोचते हैं मैं होता ना बस सब बस यार दे सब हम उसके बुरा सोचते हैं इसकी क्योंकि अल्लाह खान फरमाया है जो किसी को बुरा सोचेगा उसको बुरा उसके बुरा होगा यानी दूसरे के लिए गड्ढा खोद देगा तो तू उसी गड्ढे में कोई आएगा हां कोई आएगा उसने बेशक बेशक तो बंदा बस सोचे यार हम दोस्त को समझे दोस्त दोस्त को समझे दोस्त से समझे मतलब नहीं निकाले दोस्त बना बता अरे आज ये फाइल दोस्त बना लो यार वो दोस्त ही जो बैठे हुए याद नहीं है जो काम आया वो नहीं बोल रहा जो साथ बैठ के खा रहे वो नहीं बोल रहा जो जो याद नहीं करते वो याद करे फौरन तो डर लग रहा है याद तो आजकल तो ये चल रहा है कि तूने अगर मेरे को बर्थडे विश नहीं करा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म बर्थडे यार वो कुछ भी है यार बर्थडे के अलावा वो कुछ भी है बर्थडे के अलावा
अबे लड़की आ जाए तो मजा तो गरम अबे बैठा कुछ नहीं और लड़की बात करे बोलिए तो बच्चे तुम बात करेगा। अच्छा बाइक वाली दोस्ती बहुत अच्छी होती है, यानी एक बाइक पे दो दोस्त वो तो फिर वो अलग ही बाइक भी अलग आती है उसकी, वो तो फिर अलग ही मजा है ना दोस्ती में। अगर अच्छा चार भी चार भी पांच भी ले आती है दोस्तों पांच हो चार दो दोस्त बाइक पर दो दोस्त बाइक पे जा रहे हैं एक बाइक चला रहे पीछे बैठा सही है बेचारा बंदा वो देख देख रही अबे नाभी ना आया तेरे को नहीं देख रही वो जो आगे वाला बोलता है ना ये बात वो भाई की अलग आती है दोस्तों पांच हो बस छठा कोई ना उसमें छठा होगा जितनी भी हो आगे वाली दोस्ती हो अगर छठा ग्रेड के अंदर आ रहा ना समझो होगा काटने के लिए ये बात मजाक करना जिंदगी भर मैं तो सुनाता हूं उसका आप पांच दोस्त सब खा रहे हो घूम रहे हो पी रहे हो काय में घूम रहे हो छठा आपको देख रहा है उसने पहले मना लिया कि तो घुसते हैं तुमको काटूंगा ऐसा सब वो लाजमी काटेगा आपको लाजमी करवाएगा बंदे आपको आप जल जाओगे आप इसे बुलाए करेंगे ऐसा है बता रहा हूँ तेरे खा रहा है बुलाए करेगा तेरी बता रहा हूँ हमारे बंदे जो हम पांच बंदे को ये चाहिए नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है आपको नहीं खाएगा तो बता दो मेरे दोस्त वही बोल रहे मैं आपका नाम भी लूंगा मेरे दोस्त से भाव ये दो भी जानते मेरा वो है फौज में वो बंदा मेरे से काम आया ऐसे काम आ रहा मैं भाई का इंतकाल भी बोला मैंने वाला फोन करा था भाई का इंतकाल बड़े भाई का हाँ बस मैं कहा इतने में गए थे मुझे एक घंटा हो गया उन्होंने सब कैंसिल कर दिया एक घंटे दो घंटे में दो घंटे वो फार्म हाउस कैंसिल कर दिया तो मैं एक घंटा आया चले बाकी आपसे ऐसे दो घंटे ऐसे बता ऐसे दो बता मुझे तारीफ कर रहा हूँ दोस्तों की वो दोस्त है जो तारीफ कर रहा हूँ जो काबिल नहीं है ना मैं बड़े कुछ वीडियो में बोल भी नहीं रहा दोस्त वो जो आपको बुरे पर खड़ा वरना मेरा खत्म दोस्ती आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत बहुत आप लोगों का शुक्र गुजार अगली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी नवी भाई आपको मैं खुद ही नहीं करता तो सोलह तक उठाई नहीं आज मेरी उठी थी आप लाइट गई थी छोड़ दिया दोस्ती के बारे में मैं आपसे ये कह रहा हूं मैं क्यों इस दोस्त करता कौन मैं आया तो अगर कोई दोस्त का मसला होता है मैं फौरन उठाता हूं तेरे पास ना देखा ये मैंने ये चीज मैंने आज ही इसने मैं आपको बोल रहा हूं ये चीज मैं आज ही अपने तरह का तू असर कर आज तो दोस्ती थे नहीं कोई तेरे साथ आ रहा हूं तो मुझे फोन कर आऊंगा सही बेशक मैं आज ही हूं मैं कर रहा हूं मगर मैं आज ही हूं फोन चाहिए भागना थोड़ा मैं हूं के साथ सही नोट को मैं दबाऊंगा अभी जिस तरह नहीं करनी चाहिए मैं चुप हां बताओ मैं आज ही हूं तुम खुशी में नहीं होता है जो मजबूत वो ही हुआ बात कर सकता है मैंने दुख देख लिए मैंने दुनिया देख ली है सब दोस्त निभा लिए सब देख लिया मैंने तो मैं जिससे निकल गया तो मुझे पता कौन सा है कौन नहीं है पता इसलिए मैं समझा रहा हूं तो मेरे को बुरा वक्त भी याद क्योंकि मैं मेरी औकात नहीं है आपको अल्लाह का दिन में जान डाला है बंदे को याद करो मेरे को वसीला बना के आपकी मदद के लिए भेज रहा है अल्लाह और अल्लाह का काम मुझे अगर वो काम मेरा ना वो लेने का काम उससे वो ले ले बने काम काम से ले जाएगा सही बेस तो ये चीजें आपको समझा रहा हूं हर बंदे जो आपके साथ है जो आपको दुख में साथ पड़ा अच्छे में जो होगा ना वो अच्छे में साथ अच्छे में देगा ना बाकी जो मैं देगा आज मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली हमारे नबी भाई के साथ देखो आपके दोस्त भी ये देखिए मैंने आप दोस्त भी तुम तो साथ हो हम करो इससे सब एक दूसरी बात करो दूसरी की बात किससे देने वाला यार तू उसकी बात बाहर ले जा तुमने का बात कर मैं पता है कितना छोटा हूं मैं इतना छोटा हूं इनके भतीजे वो है मेरे दोस्त उनके साथ मेरा खेलना कूद इनके भतीजे यानी मैं से मैं चाचा मैं भाई कहता हूं मतलब चाचा हूं मैं तो बाकी आज बहुत कुछ सीखने को मिला शहजाद भाई से और नबील भाई से भी बाकी नबील भाई का चैनल है उसका नाम क्या है नबील नईम ब्लॉग भाई को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें भाई को आगे बढ़ाएं भाई नर्वस हुए हैं बहुत पाकिस्तान को लेके बहुत नर्वस हुए हैं रुला दिया इमोशनल कर दिया लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत नर्वस हुए हैं दोनों यार इनका नहीं है मसला नर्वस हर बंदा हुआ है देखो एक बड़ा भाई होता है ना एक बड़ा भाई होता है जब वो पढ़ने के लिए निकलता है मैंने अपने स्कूल में भी एक बात बोली थी कि ना
बड़ा भाई ना बड़ा ही नहीं, जब उस देखते है ना अब्बू बीमार हो रहे हैं और वो अकेला ही है, तो वो बोलता है पढ़ा ही नहीं, काम देखो अपने छोटे भाइयों को पढ़ाऊंगा, ये करूँगा, यानी अपने सपनों को वो तेल कर देता है। तो बाकी बहुत सारी चीजें बातें हमने सिद्धार्थ भाई से सीखने को मिली, हम इतना सोच नहीं सकते थे। सिद्धार्थ भाई मेरे को पसंद से मेरे को ये, मैं तो तकरीब एक अच्छा चेहरा देखा मैंने इनको, जब देखा हंसी में देखा, दूसरों को हंसाते हुए देखा, लेकिन बाकी मैं इनसे बहुत खुश हुआ, इनकी इतनी अच्छी सोच है। और नबील भाई का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारी छोटी से पॉडकास्ट स्टार्ट करा अभी भी, तो ये आए, और सिद्धार्थ भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट के साथ, पॉडकास्ट वाला आपके लिए हाजिर है। बाकी मेरा चैनल था आपको पता है एमटी टॉक, इस पर भी पॉडकास्ट आएगा, दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी ये पॉडकास्ट आएगा। बाकी शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, ओके अल्लाह हाफिज़।